तो गाइज़ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपनी इमेज का क्यूआर कोड बनाना या अपने व्हाट्सएप या यूट्यूब के लिंक को क्यूआर कोड बनाने के लिए अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पूरा वॉच करो। वीडियो को वॉच करोगे तभी समझ में आएगा, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो गाइज़ वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ आप भी अगर चाहते हो अपनी फ़ोटो को क्यूआर कोड में जनरेट करना, मतलब अपनी फ़ोटो के लिए क्यूआर कोड बनाना या YouTube लिंक के लिए QR कोड बनाना, सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको इजीली तरीके से QR कोड जनरेट करने से बताऊंगा। सो गाइस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करें तभी समझ में आएगा। सो गाइस चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पर क्रोम पर जाना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को QR Me, ये वाली वेबसाइट को लिखना पड़ेगा, देख लो आप लोग। सो गाइज इसको हम लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वेबसाइट होगा उसको हम लोग क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है लिंक URL, मतलब आप YouTube के लिंक को भी यहाँ पर QR कोड बना सकते हो। यहाँ पर देखो PDF फाइल को भी आप QR कोड बना सकते हो, इमेज को भी बना सकते हो, टेक्स्ट को भी, व्हाट्सएप को भी, यहाँ पर वाईफाई को भी आप बना सकते हो QR कोड, आपका जो फेसबुक मैंने सारे चीज़ को आप लोग यहाँ पर QR कोड का जो है रूप दे सकते हो। सो गाइज हम लोग अभी यहाँ पर इमेज के लिए करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इमेज पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइज़ इमेज पर एक बार क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देख सकते हो अपलोड इमेज दिया हुआ है। सो गाइज हम लोग यहाँ पर जो है अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। एक बार अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सारे फ़ोटो आएंगे। सो गाइज़ मान के चलो मैं इस फ़ोटो को जो है QR कोड में जनरेट करूँगा। सो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से ये फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद इसको मैं जो है QR कोड बना करके मैं अपने दोस्तों को भेज करके इंजॉय कर सकता हूँ। सो गाइज़ इसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ मान लो मेरा ही चैनल का नाम दे देते हैं यहाँ पर AR OFFICIN। सो गाइज़ इस तरीके कुछ मैंने यहाँ पर ऑप्शनल में नाम दे दिया है। यहाँ पर कैटेगरी भी दे सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर होम गार्डन मूवी कुछ भी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पर कस्टमाइज एंड डाउनलोड QR पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग QR कोड बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा जो है QR कोड बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी को शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके इसको बदल भी सकते हो डिज़ाइन में। अगर इसमें अगर आप जो रहता ना पेटीएम वगैरह का, सो इस तरीके का आप कोई भी इमेज को आप इस तरीके से QR में बदल सकते हो। इस तरह का डिज़ाइन हुआ। अब देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम में भी घुसा सकते हो। देखो इस तरीके कुछ फ्रेम रहेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो है बॉडी साइज़ को भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोटा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मोटा कर लो, पतला। यहाँ पर देखो जो जो सबसे छोटा रहता है वो छोटा वाला भी आप लोग यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सो हर डिज़ाइन में आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। देखो कुछ इस तरह का डिज़ाइन रहेगा, इस डिज़ाइन का ही बना सकते हो। और यहाँ पे सब तरह का पैटर्न है। देखो यहाँ पे चौड़ा अगर चाहिए तो यहाँ पर देखो स्क्वायर वाला बन गया, यहाँ पर गोल चाहिए तो देखो गोल वाला हो गया, पॉइंटेड चाहिए तो पॉइंट वाला हो गया, मतलब हर तरीके का हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो बीच में जैसे मान लो कि फेसबुक का आप लोग लिंक बनाना चाहते हो तो यहाँ पर उसे फेसबुक पर एक से क्लिक करोगे और तो बीच में यहाँ पर देखो फेसबुक घुस गया है ना। सो गाइस कितना ये मतलब कमाल का चीज़ है। यहाँ पर व्हाट्सअप को अगर क्लिक करो तो व्हाट्सअप का QR कोड जनरेट हो गया। आपको किसी को भी अगर दोगे तो वो लिंक पर लिंक भी आप लोग इस लिंक पर जाकर आपसे व्हाट्सएप से जुड़ सकता है। सो गाइज़ यहाँ पर आप इजीली करके प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर देखो यूट्यूब का भी लिंक भी दे सकते हो अगर चाहो तो, लिंक से भी हो जाएगा। सो गाइज़ कुछ इस तरह का यहाँ पर है डाउनलोड QR कोड का ऑप्शन, यहाँ पे PNG फाइल करके है। और यहाँ पर देखिए हर तरह का, यहाँ पर पिक्सल की भी साइज़ यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कितना बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाओगे, वही बिल्कुल फ्री में। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। सो गाइज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये अपने यूट्यूब के जो है URL को किस तरीके से आप लोग बना सकते हो फेसबुक के। सो मैं गाइज़ इसके बारे में नॉलेज देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।